my friends, welcome to my new plan. और आज हमने एक सीक्रेट बताऊंगा जो कि वीडियो के एंड में पता चलेगी। अभी बता देता हूँ, हमने ना आज नारियल जूस पिया है। नारियल जूस आपको मेरी बातों पर समझ नहीं आ रहा हो तो अभी खाता हूँ। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी ने बहुत अच्छे से दर्शन दे दिए हैं हमारे जी को भी मत्था टेकते हुए। आदि भैया खड़े हो गए मन्नत मांगते हुए। और मैडम अब मैं भी मत्था टेक लेता हूँ जल्दी से। एक्चुअली ये कैमरा थोड़ा सा हैंग हो रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था इसलिए वो थोड़ा सा हैंग हो रहा था। वो हाथ भी गंदा हो गया मत्था देखते देखते। मत्था देखते देखते ना हाथ ही गंदा हो गया। कोई नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के नहीं, अभी बज रहे हैं 12:15। हंसी इसलिए आई कि सुबह के नहीं हो रहे, मतलब 12:15 हो गए हैं। हमने अपनी पूजा कर ली है तकरीबन 9:30 से। कंजक बाबा रखे बैल जबा दवारी हर 15 मिनट में। हो गया आ जाए हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया, हमारी पूजा वूजा हुए सब कुछ रेडी है, बट अब लड़कियां नहीं आ रही। यार टाइम कितना ज़्यादा हो गया कदम से। यार अभी पापा आ रहे थे, उनको मैंने बोला है तो अगर पापा लाते तो ठीक है, तो फिर मैं एक बार नीचे जाता हूँ, उनको लेके आता हूँ कंजकों को, और जल्दी से कंजकों को जिमाते हैं और उसके बाद हम लोग भी खाना खाते हैं क्योंकि भूख हमें भी लग रही है भाई। जब तक कंजक नहीं जिमेंगी तब तक हम नहीं खा सकते, तो जल्दी से बुलाते हैं कंजक को। सभी दिन के बज गए हैं 2, अपना खाना ना हो चुका है और बच्चे अपना क्ले से खेल रहे हैं कि भुआ ने उनके लिए भेजी थी कंजक पे क्ले, तो ये से खेलने लगे। बाकी अभी मैंने ना ये ऑर्डर किया था डबल टेप, सो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर दी, बट ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने साथ में 3 मास्क साथ में भेजे हैं जो कि ऑर्डर नहीं थे, गिफ्ट के साथ में इसके। वेरी गुड, अच्छी बात है। ये आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये वही वाली टेप है जो किसी भी वेट को उठा लेती है, वैसी ही कुछ है। देखते हैं, बाकी मैंने अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मंगाया है मैं, तो मेरा ये टेप मंगाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि जैसे 28 से 31 की राइड पर जा रहा हूँ, तो कुछ भी कोई चीज़ की भी एमरजेंसी में कुछ भी चीज़ें काम आ सकती हैं। मैंने एक्स्ट्रा माउंट्स भी मंगा लिया, हेलमेट के माउंट्स जो हैं कैमरा वाले, ये भी मंगा लिए। एक डबल टेप है पहले से मेरे पास, पर ये और अच्छी क्वालिटी का, तो ये भी मंगा ली मैंने। राइड की प्रिपरेशन चल रही है अभी अभी, बस मुझे टायर इन्फ्लेटर और लेना है, बाकी सारे काम मेरे कंप्लीटेड है। और मे बी शायद मुझे विंटर ग्लव्स लेने पड़े, कंफर्म नहीं हूँ, देखता हूँ अगर लेने पड़े तो ले लेंगे, नहीं तो इस वाले से भी काम चला लेंगे। बाकी पर अभी जो सुबह सुबह की ठंड हो गई है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है शायद लेना भी पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कभी मैंने टेम्परेचर चेक किया था, वहाँ का टेम्परेचर रात में -4-5 degrees है, तो देखते हैं जैसा भी होगा। अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं और हम काफ़ी देर से रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी देर से मतलब मैं तो मूवी देख रहा था शिद्दत, बड़ी अच्छी लगी मुझे। टिपिकल लव स्टोरी से डिफरेंट थी, अच्छी थी, वन टाइम वॉच है, देख सकते हैं। मूवी के अंदर स्टार कास्ट जो है वो विक्की कौशल का भाई है सन्नी कौशल, एक्टिंग ऑसम है यार, जस्ट ऑसम। मतलब विक्की कौशल अगर आपने देखा है तो इसको भी देखो भाई, उस मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। मतलब इसकी सेकेंड मूवी है मेरे ख्याल से एज एन एक्टर, बट मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी अभी हम चाय पी रहे हैं, चाय अभी हम जा रहे हैं नीचे बुआ के घर। उनकी 2 हैं, अद्दू और सिद्धि के कंजक, और 2 प्रीति की फ्रेंड की बेटी हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं। सो अभी घर में बहुत ज़्यादा शांति हो रखी है, उसका रीज़न है कि चीकू आदि और प्रीति अभी नीचे हैं। एक्चुअली मैं भी साथ में गया था, बट नीचे जैसे ही गया तो मुझे फ़ोन आ गया रवीन भैया का, उनको अर्जेंट कुछ काम था, उन्होंने बुला लिया, तो मैं उनको तीनों को छोड़ के उनके पास चला गया था। और फिर अब घर जस्ट अभी भी आया हूँ और प्रीति अभी भी नीचे ही है, उसको उन्होंने फ़ोन पर बता दिया कि मैं घर आ गया हूँ, तो वो भी आ रही है। और अभी शाम के बज गए हैं 7:15, मतलब फिर प्रीति घर पे आएगी और उसके बाद डिनर की कुछ प्रिपरेशन करेंगे। भूख लग रही है मुझे अच्छी खासी, क्योंकि लंच आज हमने स्किप किया है, आई थिंक सो, हाँ लंच स्किप किया है 12:30 के आसपास, मतलब 12:30 के आसपास हमने वो किया था, नाश्ता बोल लो चाहे लंच बोल लो, क्योंकि कंजक जिमाते जमाते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हम 11:00 रेडी हो चुके थे, पर कंजक के आपको पता ही है आज के दिन और कल के दिन अष्टमी और नवमी के दिन, दोनों दिन बुकिंग बहुत भयंकर होती है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो काफ़ी टाइम लग गया था उनको आते आते। पहले वो सुबह
तीन या चार बार हमारा बैल जाकर चली गई कि आ जाए तब तक रेडी नहीं था। जब रेडी हुआ फिर वो कहीं बिजी हो गए, फिर वो करीबन 12 बजे आए, उनको जिमाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो अभी देखते हैं कुछ आएगी तो हल्का फुल्का बनवा के जल्दी से खा लेता हूँ, क्योंकि भूख लग रही है बड़ी तेज। अभी एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, तो नवीन भैया के पास जब मैं गया था ना, तो नवीन भैया के साथ उनके एक फ्रेंड भी थे जो कि हमारे कस्टमर भी हैं और दोस्त भी हैं, पवन नाम था भैया का, वो मेरे सब्सक्राइबर निकले। एक्चुअली मैं नवीन भैया ने मेरी कुछ वीडियोस अपने स्टेटस पे लगाई थी राइडिंग वाली, और जब साथ में वो मॉर्निंग हिल गए थे वो वाली वीडियो भी उन्होंने स्टेटस पे लगाई थी, तो उन्होंने देखी होगी, तो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा चैनल, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं जैसे मैं मतलब उनसे मिला था, कह रहे थे यार आपको तो मैं डेली देखता हूँ वीडियो में, आप बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, थैंक यू सो मच पवन भाई। बाकी एक अपडेट हो रहा है, कल सुबह यानी कि 14 अक्टूबर सुबह 11 बजे का PVR का मैंने शो बुक कर रखा था, वेनम मूवी का सेकंड पार्ट का, जो कि मैंने कैंसिल कर दिया, अब नहीं जा रहा हूँ। वैसे कल सुबह जाना था बट मुझे फिर याद आया कि कल मार्केट भी करनी है, तो सुबह 11 बजे वाला शो देखने जाऊँगा तो मैं अराउंड कुछ घर में 2 या 2:30 बजे वापसी आऊँगा, तो फिर किस टाइम पे मार्केट करूँगा, तो इसलिए फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। अब वो देखते हैं, मे भी शायद संडे को कर सकते हैं, क्योंकि जो पवन भाई हैं वो भी मार्वल के फ़ैन हैं, उन्होंने पूरी बता दी यार ये वो भी वो मूवी, तो मैंने कहा भैया आप भी मेरी तरह फ़ैन हो, चलो फिर साथ में देखने चलते हैं सभी मूवी को। तो संडे को मे भी शायद पवन भैया, मैं और नवीन भैया, हम तीनों साथ में मूवी देखने जा सकते हैं। तो बस यही बताना था, इसलिए कैमरा दोबारा उठा लिया। बाकी अब ये देखो पंखा बंद है दोनों, और ये देख रहे हो कैसे हिल रहा है, हवा बहुत तेज़ है और ठंडक हो रखी है रूम में, तो अभी रूम अच्छा खासा ठंडा हो रखा है, बिल्कुल भी पसीना नहीं है, ठंड आ गई है। और मेरे को तो ये हालत ख़राब हो रही है सोच के कि 28 से 31 की राइड है, जो कि है पहाड़ों की, और एक ऐसी जगह की जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, किस चीज़ में रिलीजियसली बहुत ज़्यादा फेमस है वो जगह, तो वहाँ की राइड है। और मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया था कल वहाँ पर, वहाँ का 28 से 31 का, तो -5 -4 रात का टेम्परेचर, और दिन का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री, सोच के हालत ख़राब हो रही है। राइड की बहुत खुशी है यार, बहुत टाइम बाद, मतलब चितकुल के बाद कोई लंबी राइड कर रहा हूँ मैं, अराउंड कुछ 500-700 किलोमीटर वाली, बस इतना हिंट बहुत है, आप सोच लो कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, और कुछ गैस कर लोगे तो कमेंट भी करके बता देना। बच्चे घर वापसी आ चुके हैं, और आते ही साथ ही इनकी हो गई स्टार्ट हरकतें, ये क्ले से खेल रहा है और मोबाइल चला के साइड छोड़ रखा है, क्ले नहीं, ओहो ये तो टॉयज से खेल रहा है, क्ले कहाँ रख दी बेटा तूने, ये देखो उसने ब्लैंकेट कहाँ घुसाया अपना, फिर क्ले कहाँ है, क्या है गंदी कर रहे हो ब्लैंकेट को, घंटी बना रहा हूं। क्या बना रहे हो, घंटी, घंटी, ये कैसी घंटी बन रही है, स्पाइडरमैन वाली, ये तो भाई आइटम ही है, मेरा टकलू, और ये भाई साहब जी मोबाइल नहीं देख रहे, कह रहे हैं मैं मोबाइल नहीं देखूंगा मुझे टीवी देखना है, तो ये टीवी में लगा हुआ है अपना, फ्राइडे नाइट की वीडियो चला रखी है और फुल एंजॉय कर रहा है, और मैडम मेरे ख्याल से होगी बालकनी में, आई थिंक सो, हाँ ये रही ये देखो ये रही, इधर शक्ल दिखाना दोबारा दिखाओ ढंग से, अरे वाह। सभी रात के 9:45 बज गए हैं, आधी के बाद आ रही है, वो मम्मी से लड़ाई कर रहा है अपनी, उसकी मम्मी कह रही है रोटी खा, और वो कह रहा है कि मैं दूध पीऊँगा, तो इसमें उनकी दोनों की भैंस चल रही है। तो ठीक है यार, अभी प्रीति ने जो है जो सुबह के काले चने थे उसी की सब्जी बना दी है आलू और टमाटर मिक्स करके, बहुत ही खुशबू से अच्छी लग रही है, अब खा के देखूँगा तो पता चलेगा कि अच्छी है या नहीं है। तो बस अब खाने का टाइम हो गया है, डिनर करेंगे और उसके बाद जो है अपना सो जाना है, हम लोग ब्लॉगिंग या फिर ब्लॉगिंग नॉर्मली देखनी है, जो भी करना है वो कर लेंगे, और जैसी नींद आएगी सो जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा नहीं लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते अगले वीडियो पर, टिल देन बाय।